काफ़ी विस्तृत था, इसमें बहुत सारे जो है टारगेट बनाए गए कि हम क्या क्या कर सकते हैं पर्यावरण को संरक्षण देने के, तो ये इम्पोर्टेंट है ध्यान देंगे। तो ये आपका जो पहला था 1972 का, इसी में जो है डिसाइड किया गया कि हर वर्ष पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, और जो किस डेट को मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। तो कभी एग्जाम में आए कि किस सम्मेलन से आया है सामने, तो आपका स्टाफ हम सम्मेलन 1972 से ही आया। और 1992 का जो सम्मेलन हुआ ये कहाँ पर हुआ था? रियो डी जनेरियो ब्राजील में, और यहाँ पर एजेंडा 21 यहीं से सामने आया, इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। लेकिन ये जो सम्मेलन है ये किससे संबंधित है? ये कार्बन को कम करने से संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के है, पृथ्वी पर जो भी संसाधन है उनके संरक्षण को लेकर के ये है। तो ये याद रखेंगे किसके लिए है, पृथ्वी सम्मेलन या कहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। तो जो रियो सम्मेलन हुआ है ये क्या है, मोस्टली जो आपका आज का लेसन है ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन और सम्मेलन, इसको हम देख रहे हैं। तो रियो जो सम्मेलन है ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे गए थे। जैसे आप देखेंगे जो है इसमें पहला जो लक्ष्य है एजेंडा 21, यानी सतत विकास से संबंधित 21 एजेंडे बनाए गए कि हम इसको फॉलो करेंगे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको बेहतर करेंगे। साथ ही एग्जाम में आता है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है, रियो डी जनेरियो से संबंधित है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी हुआ, यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको भी ध्यान में रख करके यहाँ पर एक कन्वेंशन किया गया। इसके अलावा यहाँ पर मरुस्थलीयकरण को रोकने के लिए भी जो है बात की गई, साथ ही जैव विविधता पर कन्वेंशन भी यहाँ पर हुआ, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21 ये सारे किससे संबंधित हैं, रियो सम्मेलन से ही संबंधित हैं। तो याद रखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हाँ देखिए, जो 1992 के बाद जो सम्मेलन हुआ 1995 में, इसको कहते हैं Rio+5, ठीक है, Rio+5 इसको कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आता है कि रियो जो है 5 कब हुआ था या Rio+5 कब हुआ है, 1992 के बाद 1997 यानी कि 5 साल बाद, और Rio10 कब हुआ ये भी एग्जाम में आता है, ये कब हुआ है Rio10, यानी जिसमें और 5 ईयर जोड़ दीजिए तो 1997 में 2002 हो जाएगा। Rio20 कब हुआ है एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये हुआ है 2012 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका Rio20, Rio5, Rio10, Rio20 ये इम्पोर्टेंट है, ये सब आप भी। कारगर कौन सा होगा,
अगर आप उसे नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या है, कार्रवाई की जाएगी। ये बाध्यकारी होता है, आप संधि नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह से मजबूत एग्रीमेंट होता है। अगर आपने किसी संधि पर साइन कर लिया है तो आप उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, ये आपके लिए बाध्यकारी है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपके लिए फिर जो है सजा का प्रावधान होगा। अब सजा का मतलब जैसे आपके यहाँ से व्यापार रोक दिया जाएगा, आपको अन्य देशों में कुछ बेचने नहीं दिया जाएगा, या जितने भी और संगठन हैं उनसे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो विश्व के जितने भी संगठन हैं उनमें आपका बहिष्कार किया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी, तो ये ज़्यादा कठोर होता है। जो संधि होता है ये अपेक्षाकृत समझौते और प्रोटोकॉल से ज़्यादा कठोर होता है। हाँ, और दूसरा जो होगा आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो ये आपके संधि से थोड़ा कम कठोर होता है, आंशिक कठोर होता है। इसमें आलोचना किया जाएगा, घर्षणा किया जाएगा, अगर कोई जो है अपने जो भी प्रोटोकॉल उस पर साइन किया उसका जो है काम नहीं कर रहा है या उसके हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, तो जो विश्व के देश हैं उसकी आलोचना करेंगे, उसको मतलब जो है तरीके से कहेंगे कि विश्व स्तर पर उसका बहुत ज़्यादा अवहेलना किया जाएगा। और समझौता जो है ये सबसे कमजोर होता है, कि अगर आपने समझौते को नहीं माना, जैसे किसी बात को लेकर के समझौता हो जाए किसी से और आपने तोड़ दिया, तो आलोचना आपकी की जाएगी, लेकिन उसके लिए कोई सजा का प्रावधान या कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। तो ये अंतर है, संधि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगर किसी के साथ संधि है तो उसको आप बाध्यकारी हैं, उसे आपको निभाना पड़ेगा। प्रोटोकॉल है तो उसको भी आप उतना जो है बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसे तोड़ेंगे तो आप इस स्तर पर आप आलोचना के शिकार होंगे, लोग आपकी भर्सना करेंगे। और जो समझौता है ये सबसे ज़्यादा कमजोर होता है, कि समझौता लोग आसानी से तोड़ देते हैं। तो ये अंतर होता है संधि, समझौता और प्रोटोकॉल में। तो आप देखेंगे जो रियो सम्मेलन है ये भी यह हो रहा है, तो जब ये 97 में हुआ तो रियो 5 कहलाया, ये जब 2002 में हुआ तो रियो 10 कहलाया, और जब ये 2020 में हुआ तो रियो 20 कहलाया। ऐसे ही आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल का कब हुआ था, 1997 में, कहाँ पे हुआ था, जापान में। हाँ, जापान में हुआ था, क्योटो में हुआ था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, क्योंकि कार्बन की मात्रा हरित जो गैस है उसमें सबसे ज्यादा 60% है, तो इसी को कंट्रोल करने की बात जो है विश्व स्तर में ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात किया गया कि कार्बन को जो है कम करने के लिए जो है हम लोग प्रतिबद्ध है और हमें करना होगा। तो यहीं से आपका NX1-2 करके देशों का श्रेणी में आया था, इन्वेस्ट करें, उनको मदद
करें, यानी कि पहला है आपका स्वच्छ विकास तंत्र, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, ज़्यादातर उसी के प्रभाव है। यहाँ
दर है वो कम हो जाए। तो ये तीनों तरीके मोस्टली किसके ऊपर आए हैं जिम्मेदारियाँ, विकसित कंट्रीज के ऊपर, जो कि उस सज्जन का सबसे ज़्यादा जो भार है उन्हीं के ऊपर है, उन्होंने उठाया, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर दी जाती है, इसी वजह से ये ज़्यादातर जो काम है उन्हीं को दिया गया है। तो आप ये समझ में आया आप लोगों को कि कार्बन क्रेडिट क्या है और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कितने तरीके बताता है कि आप कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में बताए गए हैं, किसी भी विकसित देश को या फिर जैसे कोई भी तरीका अपना करके आपका जो कार्बन उत्सर्जन की दर है उसे कम करें और जो अन्य देश में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसे कम करने में भी मदद करें। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जो ये लाया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा, ये बनाया तो गया है, बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन इसे आसानी से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें भी बहुत सारी अड़चनें आई, जैसे जब आगे सम्मेलन हुआ तो जब कनाडा में सम्मेलन हुआ तो कनाडा ने ये कह के मना कर दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब चाइना और इंडिया जैसे देश जो इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं वो लोगों को एनेक्स देशों में नहीं शामिल किया गया, उन्हें तो नॉन एनेक्स कर दिया गया, इतना चाहे उत्सर्जन कर सकती है, तो अगर ये लोग साथ नहीं देंगे तो फिर इस मानक का कोई मतलब नहीं है। ये जो आपने नियम कानून बनाए हैं ये बेकार है, जब तक वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उनके ऊपर भी ये बाध्यकारी नियम नहीं लगेगा, तब तक ये संभव नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो चाइना है इंडिया है ये डेवलप कर रहे हैं तो अभी इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है, और ऊपर से पहले से ही जो है इंडिया पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि ठीक है कोशिश करेंगे कि जो भी विकास का दौर चल रहा है इसमें हम कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करें, जितने हमारे पास पैसे हैं टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से लोग करेंगे। तो यहाँ पर कनाडा ने एक अच्छा बहाना बनाया कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले श्रेणियों में चाइना और भारत है उन्हें तो नॉन एनेक्स में शामिल कर दिया गया है और इनके संधि में शामिल हुए बिना ये संभव नहीं है। तो ये सम्मेलन भी इतना आसान नहीं था, फिर आप देखेंगे 2016 के आस मतलब जो है 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ तो उसमें से अमेरिका के पीछे हट गया, उसने भी कहा कि हमारे यहाँ जो है इससे बहुत नुकसान होगा अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जो है जो भी नियम कानून बनाए गए इतना आसान नहीं है कि बना दिया गया तो वो फॉलो भी हो रहा है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन इसमें शामिल नहीं है या किसने इससे अपने आप को बाहर कर लिया है, जैसे जो यूनेस्को है इसने अमेरिका भी बाहर है और इसराइल भी बाहर है, दोनों इससे बाहर हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा फंड जो है ऐसी संस्थाओं को उपलब्ध कराते हैं एक दबदबा बनाए रखने के लिए कि जितने भी संगठन हैं उसमें हमारा दबदबा, जैसे जो अमीर लोग होते हैं ना वो हर जगह पैसा इसको दिए रहते हैं कि उनका वहाँ पर वर्चस्व है, लोग उनको अपना जो है सर्वे सर्वा माने या उनके पैसे का पावर का जो है दम जो दिखाने के लिए, ऐसे अमेरिका जितने भी संगठन हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका का ही रहता है, जब भी कुछ भी नया संगठन बनता था तो अमेरिका सब में आगे रहता था। ऐसे ही जो आपका ये था जो मतलब जितनी भी विश्व विरासत सूची को यूनेस्को आप देखते हैं संरक्षण देता है तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो पूंजी देते हैं वो अमेरिका ही देता था, तो अमेरिका के बाहर हटने से प्रॉब्लम इसमें हुआ। दूसरा आप देखेंगे कि अगर वो पेरिस समझौते से बाहर हुए तो इससे भी दिक्कत है, क्योंकि पूरी दुनिया को लीड करने वाले लीडरशिप के रूप में काम करते हैं, अगर वो रहते तो दूसरे देशों के ऊपर भी दबाव बनता और वो भी सोचते कि नहीं हमें फॉलो करना होगा, अन्यथा अमेरिका नाराज होगा, अमेरिका नाराज होने का मतलब है फिर कि टेक्नोलॉजी व्यापार और अन्य क्षेत्रों में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि विश्व में दो ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अभी तक थे, एक तो अमेरिका दूसरा रूस, और इनका इनसे सबको डर लगता है क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये लगभग विश्व के सभी देशों की राजनीति को अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, अक्सर भारत के ऊपर भी दबाव आता है लेकिन भारत थोड़े से ही है स्वतंत्र विचारधारा का तो उतना ज़्यादा दबाव में नहीं आते, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि ईरान से तेल मत लीजिए, रूस से जो है हथियार मत लीजिए या इस तरह के दबाव अमेरिका की तरफ से भारत पर भी पड़ता रहता है, अन्य देशों के साथ भी यही है। तो जब ऐसे देश बाहर हो जाए जिम्मेदारी उठाने से पीछे हटे तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, फिर तो अन्य देश आसानी से निकल जाएंगे, वो कह देंगे जब अमेरिका इतना ज़्यादा उत्सर्जन करता है इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है और वो नहीं जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो हम क्यों लें जो कि छोटी छोटी कंट्रीज हैं। तो ये अपने आप में जवाबदेहिता जो है वो कम हो जाता है या एक ठोस कदम कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पीछे हट के बहुत जो एक तरीके से कहेंगे गलत किया था।
तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई जिससे कि कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और साथ ही जो विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको भी कम किया जा सकता है। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे बाली सम्मेलन हुआ था 2007 में, इम्पोर्टेंट है बाली सम्मेलन। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 97 में तो आया, लेकिन लागू कब हुआ है 2005 में ये लागू। Thank you.
या अपनी तत्परता को दिखाते हुए कि कहा है कि हमसे जितना भी संभव हो पाएगा हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा अधिकार है संसाधनों पर उतना जितना आपका है, आपने जितना कार्बन को निकाला है उतना ही उत्सर्जन हम भी करेंगे। भारत ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का हमारे यहाँ बहुत कमी है, बहुत सारे लोगों के पास आज भी हमारे यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो वो करने में भी हमें बहुत समय लगेगा और जाहिर सी बात है अगर ये करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो अभी गरीबी कुपोषण और इन सारी चीज़ों की वजह से हम बहुत पिछड़े हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने यहाँ कार्बन को एकदम कम कर देंगे, लेकिन हमारे जितना सामर्थ्य है हम कोशिश करेंगे कि कार्बन का उत्सर्जन दर है वो कम हो। और उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है आप देखते हैं लक्ष्य निर्धारित करता है, 2010 में लक्ष्य निर्धारित किया गया था जवाहरलाल जो आया था आपका प्रौद्योगिकी मिशन की, हाँ 2022 तक हम 20 गीगावाट जो है बिजली सोलर ऊर्जा से उत्पादन करेंगे, लेकिन फिर हमने उसे क्या किया बढ़ा दिया, ये 100 गीगावाट कर दिया कि नहीं अब हम उसे 100 गीगावाट करेंगे। ऐसे ही हमें और भी लक्ष्य रखने की 2030 तक हम कितना कम करेंगे और कौन कौन सी प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे, 2040 तक हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। इस तरह से हम अपने लिए खुद एक टास्क रखते हैं और उसे पूरा करने का कोशिश करते हैं, और ये इसी दिशा में है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो आप कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके ताकि जो विश्व है उसे बचाया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे बाली के बाद जो हुआ सम्मेलन ये हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ, और इसे कॉप का 15वां सम्मेलन कहा जाता है। तो ये कोपेनहेगन जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2009 में हुआ था और इसे कॉप जो है 15 कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप देखेंगे कि 9 आ गया यानी कि 97 के बाद लगभग काफ़ी समय बीत चुका था, तो सभी देशों से कहा गया कि आपने इतने सालों में क्या काम किया और आगे आपकी क्या रणनीति है इसको स्पष्ट कीजिए, ऐसे नहीं कि हम कर रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं अभी हमसे इतना नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो निर्धारित कर दिया गया था विकसित कंट्रीज उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2009 में कहा गया नहीं अब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या करने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका कोपेनहेगन 2009 में हुआ। और यहाँ पे जो विकसित कंट्रीज हैं उन्होंने जो है क्या किया है, तो यहाँ पे विकसित जो देशों ने विकासशील देशों में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं जलवायु परिवर्तन के अपरिहार प्रभाव के प्रति अनुकूलता के लिए फंड देने की प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने कहा कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन दर को कम करने के लिए हम जो है फंड प्रोवाइड करेंगे विकासशील देशों को, जो अंतरिक्ष देश है जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है हम उन्हें पैसा प्रदान करेंगे ताकि वो अपने यहाँ अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करें और कार्बन उत्सर्जन को कम करें। यहाँ पे जब उनके ऊपर दबाव बना तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया कोपेनहेगन में, और यहाँ पर विकसित देशों ने 2010-12 के लिए US जो डॉलर है इसमें 30 अरब डॉलर जो है करने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि 2010 से 12 के बीच में हम 30 अरब डॉलर देंगे लोगों को अपने यहाँ ग्रीन प्रौद्योगिकी लाने के लिए। और आगे फिर इन्होंने क्या कहा कि साथ ही विकसित देशों ने विभिन्न स्रोतों से एक दूसरे देखिए जैसे हम बोल रहे हैं आप कर भी सकते हैं कर लीजिए कि जो आपका कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ है अच्छा ठीक है चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियोस भी देखिए इसको रिवाइज करके भी नोट कर सकते हैं, तो ये नोट कर लीजिए कोपेनहेगन जो सम्मेलन हुआ 2009 में हुआ है और ये कौन से नंबर का है 15वां है, कॉप 15 है कि तो एग्जाम में आते हैं कि कॉप 15 या 15 कहाँ पर हुआ था कोपेनहेगन में हुआ कब हुआ है 2009 में हुआ है, ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि विकसित देशों ने 2010-12 के लिए US डॉलर 30 अरब प्रदान करने का वचन दिया, व
वचन दिया। साथ ही विकसित देशों ने विभिन्न स्रोतों से एक दूसरे यूएस डॉलर हंड्रेड अरब के दीर्घ अवधि वित्त को 2022 तक तैयार रखने की बात की 2022 तक तैयार रखने की बात की। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हाईएस्ट में भी आया है और ऐसे ही जो देश है ये कथन में दे देता है कि जो 15 हुआ कोपेनहेगन में इसके तहत विकसित देशों ने प्रॉमिस किया है कि हम 2020 तक या 22 तक 200 अरब डॉलर प्रदान करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कितनी की बात की उन्होंने, 100 अरब की बात की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये अपने आप बहुत बड़ी बात है कि 2022 तक हम 100 अरब डॉलर की दूसरी किस्त तैयार रखेंगे जो दीर्घ अवधि के लिए होगा, और ये 100 अरब डॉलर हम विकासशील और अल्प विकसित देशों को देंगे कि वो अपने यहाँ ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर के आए जिससे कि कार्बन उत्सर्जन दर वो कम होते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने अरब डॉलर का लक्ष्य रखा था दीर्घ अवधि में जो विकसित कंट्रीज हैं। तो जो पहला था ये 30 अरब का था, लेकिन 2022 तक की जो उन्होंने बात करी थी वो कितना था? वो 100 का था, और ये 10 से 12 के बीच का था, और वो फिर 2022 तक का है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये साथ ही जो विकासशील देशों के कार्यों के मापन रिपोर्टिंग एवं सत्यापन हेतु भी समझौते हुए, और इसमें 4 नए निकायों की स्थापना की बात की गई, जिसमें पहला है जो है RED+ पर एक तंत्र का विकास जिसको रेड प्लस भी कहते हैं। तो ये भी कब किया गया है? कोपेनहेगन के द्वारा ही किया गया है, नोट कर सकते हैं इसको। विकासशील देशों के कार्यों के मापन कॉमा रिपोर्टिंग एवं सत्यापन हेतु भी समझौता हुआ। चार नए निकायों की स्थापना इसमें पहला है RED+ यानी कि रेड प्लस पर एक तंत्र का विकास, रेड प्लस पर एक तंत्र का विकास। दूसरा है कॉप के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय पैनल जो वित्तीय प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन करे और तीसरा है कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड और चौथा है एक प्रौद्योगिकी तंत्र
और ये हुआ है कानपुर में। कानपुर में आयोजित किया गया था जो कि मैक्सिको में है। याद रखिए कि कभी आ जाए कि कानपुर कहाँ है, मैक्सिको में है। 2010 में हुआ। और ये कॉप कौन सा होगा, 15 के बाद 16, कॉप 16 है ये। तो ये कभी कभी मैच करने के लिए भी आ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या क्या बात हुई, तो पहला तो हुआ कि पूर्व औद्योगिक स्तर के ऊपर अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो एवं उसे अधिकतम को भविष्य में और नीचे लाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है। यानी कि जो औद्योगिकरण हुआ उसके पहले जो टेम्परेचर था उससे अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस और हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और कोशिश रहे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। यानी कि औद्योगिक यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, इसका मतलब उस समय जो टेम्परेचर था वो ठीक था, तो उस समय के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोशिश रहे कि उसकी अपेक्षा 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े। लेकिन अगर औद्योगिकरण की बात करेंगे तो उस समय आपका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है, क्योंकि आपके जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका जो है इमिशन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो भी रणनीतियाँ बनाई गई हैं उस पर काम करेंगे और कोशिश रहेगा कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, और उससे भी बढ़िया है कि हम उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखें। इसमें भी वही सारी चीज़ें की गई हैं कि जो फंड निर्धारित किया गया है उसको जो है जितना जल्दी हो उसे हम बनाएं और प्रोवाइड करें ताकि जो देश है उसका उपयोग करके इसको कम कर सकें। इसके बाद भी जो सम्मेलन हुआ है ये हुआ है डरबन में, और ये कॉप आपका 17 कहलाया, 2011 का है ये। डरबन में इसका सम्मेलन बुलाया गया था। हाँ बेटी, हाँ बिल्कुल, अफ्रीका का डरबन ये भी हुआ था ये सम्मेलन, इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे। 2011 का सम्मेलन जो हुआ है ये कॉप आपका 17 है, ये डरबन में हुआ है। इसके बाद जो हुआ है ये दोहा सम्मेलन है 2012, दोहा सम्मेलन, हाँ दोहा जो है आपका वो कतर में है, और यहाँ पे हुआ है कॉप 18 या 18। एग्जाम में आ जाता है कि कॉप आज है 9, कॉप आज है आपका 15 और 17 दे देता है, और पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, तो भी पता होना चाहिए कि कॉप 9 जो है कोपेनहेगन में हुआ है, जो आपका कानपुर में हुआ है वो कौन से नंबर का है। फिर उसके बाद आपका दोहा वाला डरबन, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ, ये खुद में क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन। इसके बाद फिर हुआ है आपका वार्सा सम्मेलन 2013, यानी कि ये भी जलवायु परिवर्तन को लेकर के है, इसको कॉप 19 कहा जाता है, और ये पोलैंड में है, पोलैंड की राजधानी वार्सा में इसका सम्मेलन बुलाया गया था। और यहाँ पर भी वही है कि जो भी डरबन में प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है इसको भी जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए, दीर्घ अवधि के लिए वित्त व्यवस्था प्रोवाइड की जाए, साथ ही जो रेड प्लस प्लस है इसको भी हम कल आपको बताएंगे कि रेड प्लस प्लस क्या है, इसको भी जारी रखने का जो है बात किया गया। यानी कि ये सम्मेलन क्यों बुलाए जाते हैं कि आप जो काम आपको दिया गया है सौंपा गया आप उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो बार बार उनको रिकॉल किया जाता है, और अगर लगता है कि नहीं हमें और भी कुछ इसमें जोड़ना चाहिए ताकि और भी बेहतरीन तरीके से काम हो, तो उसको क्या किया जाता है, उसमें कुछ नए नए तथ्य भी जोड़ दिए जाते हैं कि अब आपको यही फॉलो करना है ताकि जो हमने लक्ष्य रखा है वो हमें यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। तो ये उसमें कुछ थोड़े बहुत जो है चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी वही चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा वार्सा का, वार्सा में कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे जो निर्णय लिए गए हैं इसमें 4-5 पॉइंट हैं जिसे आप लिख सकते हैं। जैसे है आपका जो निम्न मुद्दे हैं जिन पर निर्णय लिए गए, ये मुद्दे हैं, इसमें पहला है डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना, डरबन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना, दूसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन
ग्रीन क्लाइमेट फंड, तीसरा है दीर्घ अवधि वित्त, दीर्घ अवधि वित्त, और नेक्स्ट है रेड प्लस हेतु वारसा फ्रेमवर्क, रेड प्लस हेतु वारसा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, लास्ट है क्षति एवं नुकसान हेतु वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र, क्षति एवं नुकसान हेतु वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जिसको बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, डेट और मतलब ईयर और कौन से नंबर का है, ये याद रखेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए, कल हम इसको और डिटेल में बताएंगे आपको कि ये जो बनाया गया है इसमें भारत का क्या योगदान है या भारत इसमें क्या कर रहा है, भारत ने अपने लिए क्या लक्ष्य रखा है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कल इसको आप लोगों को बताना होगा या हम समझाएंगे। आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल के वर्षों में, अच्छा ये आपसे मैंने पूछा था, नेक्स्ट है बताइएगा निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, यानी कि कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो निकलते हैं या एनवायरमेंट में आते हैं। तो पहला है कृषि कॉमा वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोग क्षेत्र, तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र, चौथा है परिवहन क्षेत्र, मतलब तीसरा है परिवहन और चौथा है विद्युत एवं ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। आपका विद्युत और जो ताप विद्युत है ये बहुत ज्यादा जो है उत्सर्जन करते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आई थिंक आप बता सकते हैं। कथन और कारण है, कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, यानी कि कहीं की प्राकृतिक वनस्पति को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ का जलवायु कैसा है। कारण है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, इसे कहने का मतलब है कि वे पौधे जिनको जल बहुत पसंद है या जो जल ज्यादा ग्रहण करते हैं ऐसे पौधे जहाँ पे नमी बहुत होगा वहाँ पाए जाएंगे। सही है, क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर आप वनस्पति देख के बता सकते हैं कि जलवायु कैसा है, जल प्रिय पौधे आठ जलवायु में पाए जाएंगे तो बता देंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है, पहला है डीजल इंजन द्वारा उत्सर्जित काले कार्बन जैसे काली तथा अन्य भूरे कार्बन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर वातावरण को गर्म करने का काम करते हैं, दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा प्राकृतिक रूप से एरोसॉल का निर्माण होता है जो कि वातावरण को ठंडा करते हैं, दोनों में अंतर है, एरोसॉल क्या है, ये आपका राख है लेकिन जो आपका ब्लैक कार्बन है यानी कि कृत्रिम विधि द्वारा जो निकलेगा वो ज्यादा खतरनाक होगा, जो प्राकृतिक विधि द्वारा निकलेगा वो कम खतरनाक होगा और ये ज्यादा देर एनवायरमेंट में नहीं दिखता। तो दूसरा वाला क्या होगा, आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा प्राकृतिक रूप से एरोसॉल का निर्माण होता है जो कि वातावरण को ठंडा करते हैं, तीसरा है उच्च सल्फर युक्त कोयले या तेल के दहन से हल्के एरोसॉल का उत्सर्जन होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर ठंडा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसका है उच्च सल्फर युक्त कोयले या तेल के दहन से हल्के एरोसॉल का उत्सर्जन होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर ठंडा
से, साथ ही जो अन्य गैसें निकलेंगी, जो धुआं निकलेगा वो इन्वायरमेंट को ढक लेगा और सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि जो नेचुरली निकल रहे हैं उद्गार के द्वारा, या कहें कि जो उच्च कोटि के कोयले हैं उनके जलने से जो हल्की रोशन निकलेगी, ये सब इन्वायरमेंट को ठंडा करेंगे क्योंकि सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेंगे। और जो अन्य डीजल और जो आपके जीवाश्म ईंधन है इनके जलने से जो निकलेंगे वो क्या करेंगे, वो गर्मी को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो ये तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। भंगुर मीन्स होता है सेंसिटिव, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो आसानी से टूट जाएगा या जो प्रभावित हो जाएगा और जो है ये वैश्विक तापमान से सबसे पहले प्रभावित होगा। तो ऑप्शन में है आपके पास आर्कटिक एवं ग्रीन लैंड हिम चादर, दूसरा अमेजन वर्षावन, तीसरा टैगा, चौथा भारत का मानसून। हाँ, जो आपके बर्फ क्षेत्र हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ये बर्फ क्षेत्र, ये तुरंत पिघलना शुरू हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय मरुस्थल के जीव जंतु जंतु प्रजाति विविधता में काफी धनी है। क्या ये सही है, भारतीय मरुस्थल के जंतु प्रजाति विविधता में काफी धनी है। हाँ, तो ये सिर्फ क्वेश्चन है कि कौन सा सही है। तो पहला है भारतीय मरुस्थल के जंतु प्रजाति विविधता में काफी धनी है। क्या ये सही है कि जो भारत का मरुस्थल है यहाँ जो है जंतु की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये विश्व के अन्य मरुस्थल से तुलना कर रहा है। मैंने कहा था विश्व का सबसे घना आपका बसा जो है वो भारत का थार मरुस्थल है। तो क्या विश्व के अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा हमारे यहाँ के मरुस्थल में जीव जंतु अधिक नहीं पाए जाते, उनकी प्रजाति अधिक नहीं पाई जाती पाई जाती है, तो ये क्या हुआ सही। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का सबसे अस्पष्ट प्रभाव समुद्री पारितंत्र पर पड़ रहा है जो प्रवाल विरंजन के द्वारा परिलक्षित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अस्पष्ट प्रभाव समुद्री पारितंत्र पर पड़ रहा है जो प्रवाल विरंजन के द्वारा परिलक्षित हो रहा है। तीसरा, मध्य भारत में साल के पेड़ों द्वारा सूखे टिक यानी कि सागौन बहुल वनों के प्रतिस्थापन का खतरा बढ़ रहा है। बताइए, तो क्या सही हो जाएगा फिर आपका। हाँ बिल्कुल, तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका, बताइएगा निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। आई थिंक आप ये बता देंगे, आसान भी है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। तो कहना है कि कौन सा है जो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है, ये खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो पहला है पृथ्वी की कक्षा का उत्केंद्रता यानी कि अंडाकार जो परिधि है ना दीर्घवृत्ता का, क्या ये खगोलीय परिघटना है जो जलवायु को प्रभावित करता है। कहता है सूर्य के पास आना, सूर्य से दूर जाना, गर्मी कम करता जा रहा है, तो कहता है। दूसरा, पृथ्वी की घूर्णन और अक्ष का तिर्यकता यानी कि झुकाव 23.5 अक्ष का होना और घूर्णन करना ये भी करता है। तीसरा, विषुवत आयन यानी कि पृथ्वी का सूर्य के पास जाना और दूर जाना उत्सर और अवसर। चौथा है सौर किरीट ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण, सौर विकिरण ये नहीं, वो तो हमेशा निकलता रहता है। प्रॉब्लम क्या होती है, पृथ्वी के पास जाने से दूर आने से घूर्णन से और झुकाव से। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक और बता दीजिए, काले एवं भूरे कार्बन से अलग ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गृह गैसों के अधिग्रहण का काम करते हैं। काले एवं भूरे कार्बन से अलग इतर ग्रीन एवं ब्लू कार्बन व
हरिद्वार आते हैं। ये